नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के संस्थापक रमेश चंद्रा और उनके दो बेटों संजय और अजय चंद्रा के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इन तीनों पर कैनरा बैंक से 198 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। बैंक ने पिछले महीने दायर अपनी शिकायत में कहा था कि यूनिटेक 1971 से ही उसका ग्राहक है और इस दौरान कई बार उसने कर्ज लिया, लेकिन हाल ही में उसने कई बार समय पर कर्ज नहीं चुकाकर डिफॉल्ट किया। शिकायत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला कि यूनिटेक ने 29,800 घर खरीदारों से 14,270 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। हालांकि इनमें से 5,036 करोड़ रुपया 74 प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं में नहीं लगाया गया। ऑडिट से ये जानकारी भी सामने आई कि यूनिटेक ने कैनरा बैंक समेत 6 वित्तीय संस्थानों से 1,805 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें से 763 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक साल 2007 से 2010 के बीच यूनिटेक की सहायक कंपनियों ने साइप्रस में 10 कंपनियों में करीब 1,745.81 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कैनरा बैंक ने आरोप लगाया कि यूनिटेक ने अमानत में खयानत के साथ गैर कानूनी तरीके से थर्ड पार्टी राइट्स हासिल कर लिया और इस तरह से पैसे का निजी कार्यों में इस्तेमाल किया गया। यूनिटेक 74 परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकी है, जिनमें से करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इससे हजारों घर खरीदार दशकों से अपना अशियाना पाने के लिए भटक रहे हैं। इस साल जनवरी में घर खरीदारों को थोड़ी राहत तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण सरकार को सौंप दिया, जिसने नया बोर्ड का गठन कर पूर्व आईएएस यदुवीर सिंह मलिक को इसका चेयरमैन और एमडी बनाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।